ये चांद बयां करता है, मेरे नबी जब उंगली का एक इशारा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। समुंदर में जितना पानी है अगर वो शाही में बन जाए, आप लिखते बैठे तो मेरे महबूब की अजमत बयान पूरी नहीं कर सकते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद मगर होती है, ये हमारी तारीख है, हमारी पहचान है, पाकी आया ईमान है। हमारे नबी ने कहा कसम उस रब की, हमारी माँ कुर्बान, हमारी बीवी कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, मगर उनके शान उनकी अजमत में थोड़ी सी तकलीफ हो, एक कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोजी के मसाइल पे हम आवाज नहीं उठा रहे, हमको रोजगार नहीं मिल रहा, हमको जॉब्स नहीं मिल रहे, शर्म आना चाहिए। आज तक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे खिलाफ खड़ा है। मुसलमान के शरीयत पे आप सवाल उठाएंगे, जन्नासी के जरिए, ट्रिपल तलाक के जरिए हिंदुस्तान के अमन के दुश्मन है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दुश्मन बसर इक्तदार बैठे हुए हैं। आज इस प्लेटफॉर्म से हम कहना चाहते हैं, चाहे वो हैदराबाद का राजा सिंह हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो यकीन आनंद हो, चाहे वो कोई वसीम कुछ नाम है ना, चाहे कैसे भी हरामी हो, हमारे आका के खिलाफ, हमारे आका के शान में गुस्ताखी जो भी करता है उसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि वो असल से हो ही नहीं सकता। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. Nare Takbir! Nare Takbir! Nare Risalat! Nare Risalat! Nare Risalat! मैं समझता हूँ कि एक फंक्शन नहीं, अगर अजमत मुस्तफा बयान करने के लिए बैठ जाएं या लिखने के लिए बैठ जाएं तो जब तक खयामत होगी तब तक भी अगर बयान करते रहे उलमा इकराम तो मेरे आका की अजमत बयान पूरी नहीं कर सकते। ये हकीकत, समुंदर में जितना पानी है अगर वो शाही में बन जाए, आप लिखते बैठे तो मेरे महबूब की अजमत बयान पूरी नहीं कर सकते। ये हमने एक नाचीज कोशिश की है। मेरे आका की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या बयान करूं, उनकी अजमत ये शम्स बयान करता है, सूरज बयान करता है। जो गुरूब होने के बाद आका अलैहिस्सलाम जब इशारा करते हैं तो वापस आ जाता है, ये चांद बयां करता है, मेरे नबी जब उंगली का एक इशारा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। उसकी अजमत हम क्या बयां करें, पत्थर बयां करते हैं, जहां से वो चलते हैं तो पत्थर सलाम पेश करते हैं। उनकी अजमत हम क्या पेश करें, परिंदे जानवर उनके सामने आकर के उनके से शिकायत करते हैं। जिक्र हुआ कंकरियों का, जिक्र हुआ कंकरी जब फेंकते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हमारे नबी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हमारे नबी को रहमतुल आलमीन कहा गया, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये जिस गैलेक्सी के अंदर सिर्फ अर्थ कहते हैं, ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, ये एंटायर यूनिवर्स के लिए है, एंटायर यूनिवर्स के लिए। ये हकीकत है, इस दुनिया को बनाया हमारे नबी के लिए गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मकसद है इसका, क्या क्या अजमतें बयां करूं मैं, क्योंकि उलमाए किराम बड़ी अच्छी तकरीरें, बड़ी अच्छी बातें कही। मैं आज इतना कहना चाहता हूं
कि एक सियासी बासिंदा हूं। मैं अपने आप को और लोगों के जहनों में भी यह है कि नासिर हुसैन उस्ताद ये सियासी बात करता है, ये पॉलिटिक्स करता है। ठीक है, मैं पॉलिटिकली बात करूंगा। आज वक्त की जरूरत इस बात की है कि जितने नौजवान हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, अगर वो सियासत करना चाहते हैं, आप सियासत में रहना चाहते हैं, बेशक रहिए। आप तारीफ करते हैं महात्मा गांधी जी की, वो महात्मा थे, उन्होंने नॉन वायलेंस का दर्ज दिया, अहिंसा की बात की। मैं आपके बीच में कहता हूं कि फतेह मक्का का जिक्र होता है, 1,24,000 लोग मक्का को फतेह करने के लिए निकलते हैं, वो मक्का में वो लोग हैं जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल जो है उनको आइसोलेट करके रखा, उनको भूखा रखा, खाने के लिए मोहताज थे। वहां पर लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको गाली दी थी, वहां पे लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहीद किया था, ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके कलीजे को बाहर निकल करके चबाने का काम किया था। बताइए दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल हो, किसी मुल्क में फतेह होता है और एक खतरा भी नहीं गिरता। ये शार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तारीख हमारी ये बयान करती है। दुनिया में कहीं ऐसी तारीख? अहिंसा हम सिखाते हैं। आज हमको बोलते हैं कि स्वच्छ भारत, काहे का स्वच्छ भारत, ये हमारी तारीख है, हमारी पहचान है, पाकी आला ईमान है, हमारे नबी ने कहा। आज बात किंग मातर, जो हमारे अपरटाइड पॉलिसी जिसे कहा जाता है, अपरटाइड पॉलिसी साउथ अफ्रीका में जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी लड़ करके आए, मार्टिन लूथर किंग, बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी जिन्होंने तालों के लिए अपनी आवाज बुलंद की, उसके बाद अब्राहम लिंकन जिन्होंने आर्टिकल 14 ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश किया। आज जिक्र कर रहे थे फतेह मक्का होता है और अजान देने के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहते हैं कि जाओ काबे के ऊपर खड़े होकर अजान दो? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? हबशी थे, भूल गए हम? हमको याद किए हैं। आज ऐसे हजारों मामला, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दौरे जहालियत में बेटी पैदा होती थी उनको दफनाने का काम होता था। किसने इस सिलसिले को रोका? बेटियों को इज्जत दी, उनको तालीम पाने का, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया? ये आजकल की बात नहीं, हम जिक्र करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की, सावित्री ज्योतिबा फुले, ये पहली हिंदुस्तान की दलित औरत थी जिन्होंने औरतों को पढ़ाई की तरफ माइल किया, स्कूल खोला। उनके साथ एक मुस्लिम हमारी फातिमा शेख भी थी, जिक्र उनका होता है। 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए इजाजत भी दी, ना सिर्फ पढ़ने के लिए। दुनिया के किसी मजहब ने आज हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1950 में हिंदू कोड बिल की बात होती है, हिंदू कोड बिल जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने पेश करने की कोशिश की, उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। हम एहतराम करते हैं, ये तमाम लोग ग्रेट हैं,
महात्मा गांधी जी महात्मा थे, बाबा साहब अंबेडकर हमारे दिल में बहुत ही एहतराम की जगह रखते हैं, मगर यहां पर हमारे हैदराबाद के मुफ्ती साहब ने कहा माइकल हार्ट ने इंसानियत के उन तमाम, जब से इंसानियत है, 100 ग्रेट लाइफ्स के बारे में उन्होंने किताब लिखी, और नंबर वन पे किसको रखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। क्या ऑब्जर्वेशन दिया है? व्हाट वॉज दी ऑब्जर्वेशन? ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन रिलीजियस एंड सेक्युलर रेल्म्स। ये क्या ब्यूटी है! हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? दुनिया में बहुत से आए, ग्रेट पर्सनालिटीज आए, मजहबी रहनुमा आए, मगर हमारे इस्लाम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ हमारी मजहबी रहनुमाई करते थे, हमें सिर्फ इबादत किस तरह की जाए, नमाज किस तरह से पढ़ा जाए, रोजा कैसे रहना है, हज कैसे करना है, ये चीजें नहीं, इसके साथ साथ आप कारोबार किस तरह से करोगे, तिजारत किस तरह से करोगे, आप अपने पड़ोसी के साथ किस तरह से बिहेवियर रखोगे, क्या उसने सलूक रखोगे। अगर आपका पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो भूखा है, अगर आप खाना खाते हो, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है, हमको बताया है। हुकूमत किस तरह से कायम की जाएगी, किस तरह से हुकूमत कायम हो सकती है, ऐसे ऐसे जगह पे हुकूमत हमारी कायम हुई जहां पर कोई हमारी जबान नहीं जानता था। दो तिहाई दुनिया पे हमने हुकूमत की। मौलाना जावेद आलम साहब ने कहा कि 900 साल हमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। आज क्या वजह है, क्या वजह है कि हाँ हम नाकामयाब हो रहे हैं? क्या वजह है इसकी? तकरीरें बहुत दी जाएंगी, बहुत तकरीरें दी जाएंगी, सफों में इत्तेहाद कायम करें। क्या होता है सफों में इत्तेहाद कायम करना? सफों में इत्तेहाद कायम करना क्या होता है? आज मुसलमान मुसलमान के खिलाफ हसद रखता है, किना रखता है, चुगली बोलता है, झूठे इल्जाम आग लगाता है। किसी शोबे में अगर कोई मुसलमान तरक्की कर रहा है, तो उसी शोबे में रहने वाले मुसलमान उसकी टांग खींचने की काम कर रहे हैं। ये मिजाज हमारा है क्या? ये तरबियत हमारी है? आज इसके बारे में फिक्र करनी है। मैं बात इसलिए करना चाहता हूं कि एक बार दो बार नहीं, 2024 से मुसलसिल तौर पर, मुसलसिल 2014 जब से इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, एक माहौल बनाया गया है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, एक ट्रेंड बन गया है। मुसलमान के खिलाफ आप बोलेंगे, मुसलमान की सिटीजनशिप पे आप सवाल उठाएंगे, मुसलमान के शरीयत पे आप सवाल उठाएंगे, एनआरसी के जरिए, ट्रिपल तलाक के जरिए। आज कर्नाटक के अंदर गुलिस्तान 6 महीनों से क्या हो रहा है? मामला हिजाब का, हमारी बेटियों के साथ, हमारे बेटी पढ़ाओ बोलने वाले, आज हमारी बेटियों को हिजाब को एतराज हो रहा है। हिजाब के मामले में, उसके बाद अजहां के मामले में,
ईद के मामले में कहीं दरगाह है वहां पे दरगाह पे बताइए क्या है, दरगाह नहीं यहां पे मंदिर है। ईदगाहों पे चामराजपेट का ईदगाह मुसलसिल तौर पर साजिशें चल रही, एक तरफ इस डेमोक्रेसी के तीन इंस्टीट्यूशंस जिसे कहे कहते हैं, एक तो पार्लियामेंट, दूसरा जुडिशियरी, कहां पे है? पार्लियामेंट में बयानबाजी देखिए आप, क्या फैसले आ रहे हैं जुडिशियरी के, यकीन खत्म हो गया। राम मंदिर का जो फैसला है बनाने के लिए, बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत है, गैर कानूनी है, मगर कोर्ट फैसला सुनाती है कि उस जगह को राम मंदिर बनाने के लिए मौका दिया जाए। टीवी चैनल्स में टेलीविजन के एंकर्स बैठ करके जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म की बातचीत कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। आज तक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे खिलाफ खड़ा है, हमारी आवाज को दबाना चाहता है। आज एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि आप मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे तो आप हीरो बनोगे, मुसलमानों के खिलाफ आप जितना बोलोगे आपको उतनी टीआरपी मिलेगी। क्या मामला है? हिंदुस्तान की आजादी को 75वीं साल, सबसे ज्यादा इस पुल की आजादी के लिए अगर किसी ने अपनी जानों की कुर्बानी दी तो वो मुसलमान है। हमारे उलमाए इकराम ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमने कुर्बानी दी। नाम यहां पे लेना नहीं है, आप तमाम लोग जानते हैं। 75वीं साल के इस यौम आजादी पर गुजरात की बीजेपी की गवर्नमेंट ये फैसला लेती है, बिल्किस बानू हमारी बहन जिसको गुजरात के दंगों में जिसकी अजमत लूटी गई, जिसकी मां की अजमत लूटी गई, जिसके भाइयों को बाप को मारा गया, उन 11 लोगों को बाइज्जत बरी करते हैं। बरी कर दीजिए, बीजेपी के लोग जाकर के उनको तैनियत पेश करते हैं। आज इसके बारे में फिक्र होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। आज ये जो मीटिंग यहां पर बुलाई गई है, मैं सिर्फ इसलिए इन बातों को कहना चाहता हूं, मुसलसिल तौर पर ये तमाम साजिशें हम फेस कर रहे हैं, हमारे सामने बहुत सवालात है, कोई हमारे रोजी का मसाइल पे हम आवाज नहीं उठा रहे, हमको रोजगार नहीं मिल रहा, हमको जॉब्स नहीं मिल रहे। आज सबसे ज्यादा अगर हमारी तकलीफ है, अगर हमको सबसे ज्यादा तकलीफ अगर कभी हो रही है, वो तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अगर होती है, कसम उस रब की, हमारी माँ कुर्बान, हमारी बीवी कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, मगर उनके शान उनकी अजमत में थोड़ी सी तकलीफ हो, ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एहतजाज होते हैं हैदराबाद में, टीवी चैनल्स वाले क्या बहस करते हैं, क्या बहस का मौजू है? बहस का मौजू ये है कि नारे क्या दिए गए, पत्थर किसने उठाया, इतने लोग किस तरह जमा हो गए। बहस का मौजू ये नहीं होना चाहिए, बहस का मौजू ये होना चाहिए कि इसकी शुरुआत किस नालायक ने की, इसकी शुरुआत किस हरामी ने की। आज मुझसे कल मौलाना वकार अशरफी साहब ने कहा,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो अल्लाह ने सूरह नून अल किताब नून वल कलम के 9-10 आयत 10 सच वलीद इब्ने मुगैरा वलीद इब्ने मुगैरा की बुराइयों में 10 सच बताई। 9 जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 सच बता दी तो ये तमाम चीजें वलीद इब्ने मुगैरा को समझ में आई कि हाँ ये सब 9 के 9 सच है, मगर 10वां सच क्या था? 10वां सच, 10वां बात ये थी कि वलीद इब्ने मुगैरा तू तेरे असल से नहीं है, तू तेरे असल से नहीं है। वो भाग के गया अपनी माँ को, उसके गर्दन पे तलवार रखी, उससे पूछा बता मेरा बाप कौन है, और वो माँ बोलती है तू अगर असल से होता तो तू तेरी माँ के गर्दन पे तलवार नहीं रखता, बेशक तू असल से नहीं है, तू एक चरवाहे का बेटा है। आज इस प्लेटफॉर्म से हम कहना चाहते हैं, चाहे वो हैदराबाद का राजा सिंह हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो यकीन आनंद हो, चाहे वो कोई वसीम कुछ नाम है ना, चाहे कैसे भी हरामी हो, हमारे आका के खिलाफ हमारे आका के शान में गुस्ताखी जो भी करता है उसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि वो असल से हो ही नहीं सकता। अगर असल से अगर वो है तो हमारे आका के शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए रहमतुल आलमीन नहीं, ये तमाम मजहब के लिए, तमाम चरिन परिन के लिए, सारे कायनात के लिए आए हैं। उनसे नफरत करना ये साफ तौर पे बता रहा है। हमें तकलीफ इस बात की नहीं कि इनके साथ क्या सुलूक कर रहे हैं, हमारे सामने ये सवाल है कि हम किस तरह से इनके साथ लड़ाई लड़े, हमारा तरीका क्या होना चाहिए इनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना। आज ये पहला जलसा हैदराबाद का वो वाकया हुआ, मुख्तलिफ शोबों के लोगों ने मुझे फोन किया, मुझे तो व्हाट्सएप पे वीडियोस, नासिर भाई ये हरामजादा ऐसा किया, एक स्ट्राइक होना चाहिए, जिस तरह से आपने एनआरसी का एहतजाज किया वैसा करेंगे, मुसलसिल करेंगे, दिन में रात में क्या हुआ फिर हैदराबाद में, नौजवानों के घर को घुसकर पुलिस पकड़ती है, फिर उनको छोड़ा जाता है, फिर उस हरामजादे को जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है को फिर से गिरफ्तारी की जाती है। ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि माहौल और फिजा बना रहे हैं, बरसर इक्तदार इस्लाम के दुश्मन हैं, हिंदुस्तान के अमन के दुश्मन हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दुश्मन बरसर इक्तदार बैठे हुए हैं। हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, ताक खयामत तक हमको यही रहना है, यही रहेंगे, ये वतन हमारा है, मगर हम यहां पर हमारे नबी की शान कम होगी इसको बर्दाश्त करके रहने का कोई मतलब नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हमारी शरीयत के लिए लड़ेंगे, हमारी शरीयत यहां पर महफूज रहे, हमारी शान यहां पर महफूज रहे। क्या बात है कि हम बर्दाश्त करो, हिकमत अमली से रहो भाई, प्रॉब्लम हो जाता प्रॉब्लम, एक काम करेंगे हमें 10 लोग देके मेमोरेंडम जाके देंगे, लोग जमा होंगे तो पसराबाजी हो सकती। मैं आपसे बोलता हूं, सियासत आसान नहीं है, सियासत तो गाली बना चुके हो तुम, नौजवान कोई सियासत में आ रहा है, एक गाली बन चुकी है सियासत, सियासत गाली नहीं है, ये इस्लाम ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो बरसर इक्तदार है उसका मिजाज क्या होना चाहिए।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वो गश्त किया करते थे रात रात, गरीब कौन है, क्या परेशानी है। एक वाकया आपको याद होगा, जब एक माँ अपने बच्चे पिलपिलाते रोते हुए बच्चों के बीच हांडी में जो है चमचा हिलाते, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि क्या बात है, कितनी देर से बच्चे रो रहे हैं और तू कब से पका रही है खाना। तो माँ बोलती है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पकाने के लिए कुछ नहीं है, मैं खाली हंडी को हला रही हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त बैतुल माल को जाकर के खाने की बोरी अपने पीठ पे डाल करके रात भर उसको लेके आते हैं और उस माँ को ला करके देते हैं और खाना बना करके उन बच्चों को उठा करके उनसे खिला करके उनसे माफी मांग के निकलते हैं। ये तालीम सियासत के हमारे नबी ने हमको दी है, ये सियासत है। इक्तदार आने के बाद क्या होना चाहिए, ऐसा से कमतरी ये मुसलमानों के बीच नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए। हम हिंदुस्तान में सेकंड कैटेगरी सिटीजन नहीं है, हम फर्स्ट सिटीजन है, हम हिंदुस्तान के फर्स्ट सिटीजन है। सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी ने दी है तो वो मुसलमानों ने दी है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, सिराजुद्दौला, कितने नाम गिनवाऊं, हजरत बेगम महल, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, खान अब्दुल गफ्फार साहब, अशफाकुल्ला साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, शौकत अली जौहर साहब, कितने नाम गिनवाओ, कितने सदर बने, ये कुर्बानी हमारी है। आज हमारे खिलाफ ये बातें हो रही हैं, हिकमत के नाम पर बुजदली, ये हमारे नबी ने हमको नहीं सिखाई। बेशक हिकमत सिखाया, हिकमत अमली सिखाई, कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, कौम के फायदे के लिए कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। हिकमत अमली हमको सिखाया, सुलह हुदैबिया के अंदर ये हिकमत हमारी थी, मगर उसका फायदा फतेह मक्का हुआ। कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमारे नबी ने हमको सिखाया कि हमारे पड़ोसी किसी भी मजहब का हो, आज हमारा पड़ोसी हमारा हिंदू भाई है, हम हमारे दलित भाई के साथ खड़े हुए हैं, आज हम हमारे पिछड़े हुए वर्ग के हमारे हिंदू भाइयों के साथ हम खड़े हैं, हम हमारे लिंगायत भाइयों के साथ हम खड़े हैं, तमाम मजहब के साथ हम मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, दिल खोल करके उनके साथ जुड़ के खड़े हुए हैं। मगर आज मुसलसिल तौर पर इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस तमाम चीजों के बारे में एक राय अमल भी होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। तमाम चीजें अपनी जगह, अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह, इसके साथ कोई खिलवाड़ होने ना पाए। जुर्रत कर रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ना होने पाए, अपने ईमान को जिंदा रखो, अपने आवाज को बुलंद करने का, अपने ख्याल पेश करने का जबूरी अंदाज में ये हुनर आपने आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। केसेस फाइल कीजिए, बर्दाश्त नहीं। आज वक्त बहुत हो गया, पहला जलसा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसलक के उलमा इकराम, मशायखीन, ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार यहां पर आए हैं और हमारी जो नियत थी, हमारी जो सोच थी कि एक रेजोल्यूशन यहां पर प्रेजेंट किया जाए और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक कानून बनना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए जिसमें पाबंद किया जाए कि कोई किसी रिलीजियस हेड्स को, प्रॉफेट को और खुसूसी तौर पर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करता है तो उसको एक नॉन बेलेबल केस होना चाहिए, वो कम से कम जो है 4-5 साल जेल के सलाखों में रहेगा, तो जब जाके रुकेगा। गुलबर्गा चाहे जलसा पूरे मुल्क के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। जितने भी लोग सोशल मीडिया के जरिए हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने शहर में ये प्रोग्राम कीजिए, रेजोल्यूशन करारदाद पास कीजिए और भेजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि हाँ ये मुसलसिल हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज गुलबर्गा शहर का ये जलसा इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर हिंदुस्तान के बहुत से तालुके में, जिले में इस तरह के रेजोल्यूशन पास करके हम इंशाल्लाह भेजेंगे। मैं आप तमाम लोगों का जितने लोगों ने यहाँ पर इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर आकर के डाइस पर बैठे हैं, बात किए, उलमाए कराम हैं, और आप तमाम लोगों का इतनी रात के होने के बावजूद आपके दिलों में वो दर्द, वो मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो मोहब्बत है, बेशक वही मोहब्बत आपको अब तक बिठाई है, इसका यकीन है। अल्लाह सुभान व तआला हमारा इस बैठने को, हमारे इस जमा होने को, हमारी इस सोच को, हमारी इस नीयत को कबूल करे। इंशाल्लाह फिर एक मीटिंग होगी। मैं एक शेर कह करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं।